डॉक्टर साहब, मोटापे का जिक्र आप कर रहे थे कि मोटापे की भी एक कारगर इलाज है यूनानी में, थायराइड का भी इलाज है, कितना मुकम्मल है ये, कितना यहाँ पर इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लगातार यूनानी की दवाइयाँ आप चला रहे हैं, कितने महीने आपको खानी होगी कि आपका मोटापा जो है वो ठीक हो जाएगा? इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज क्या है? जी, मोटापा होना आज के टाइम में तो एक बहुत कॉमन सी वजह है, बहुत कॉमन बीमारी हो गई है कि ये हर तीसरे चौथे में मोटापा हो रहा है। लेकिन ये है कि मोटापा जो है उसके लिए कई कॉजेज हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कैसे रिड्यूस होगा। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें मोटापा कम होना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिसमें आप लेंगे यूनानी ट्रीटमेंट, उसमें उसका बहुत अच्छा इलाज है यूनानी में, आपको 3 से 6 महीने तक लगभग मेडिसिन लेनी पड़ेगी आपको, और आप रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आपका वेट लॉस होगा, ज़रूर होगा। इसके अलावा सर, जहन में और भी सवाल है। सवाल ये है कि यूनानी में बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। एक थेरेपी होती है लीड्स थेरेपी, जिसे हम जोक कहते हैं। जी, ये कौन सी थेरेपी होती है और किस काम आती है? क्यों हम इस थेरेपी को कराते हैं? क्या ज़रूरत है इस थेरेपी की? ये लीचिंग मतलब जोंक को जिस पार्ट में जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जिस एरिया में बॉडी के जिस रीजन में उस तरह की बीमारियां हैं, उस जगह पे जोंक को लगाया जाता है, और वो सो फासिद खून मतलब जो गंदा खून या कहते हैं आम लैंग्वेज में ख़राब खून वहाँ का होता है, जिसकी वजह से वो बीमारी डेवलप कर रही है, उस वहाँ परेशान कर, वो उसको सक कर लेता है, वो जो लीच होता है, जोंक होता है, तो वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है बॉडी से। टॉक्सिन्स होते हैं जो जहरीले पदार्थ होते हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो वहाँ से उसको सक कर लेता है ब्लड को, गलत गंदगी को, उस चीज़ को, जिससे उसको पेशेंट को आराम मिलता है उसको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि आपका पेट ठीक है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तरोताज़ा है। क्यों ऐसा कहा जाता है यूनानी में भी? भाई, पेट ही ऐसी चीज़ है जिससे बॉडी में आप कुछ भी आप गिजा लेते हैं, पेट में गई वही सारे न्यूट्रिशंस जो भी है आपके बॉडी में सर्कुलेट करता है जी। तो आपका पेट सही नहीं है तो आपकी से शरीर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मुकम्मल वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचेगी नहीं, वो आपके तो ज़ाया हो जाएगी। जब चीज़ें आपको जो चाहिए वो पहुँच ही नहीं रही है तो आपको क्या फ़ायदा? आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा और आपको उसके नुकसान नज़र आते रहेंगे।